दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे हाउ इलेक्ट्रिकल टू ओए स्विच वर्क्स। इलेक्ट्रिकल में टू ओए स्विच काम कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे रहता है, इसके बारे में आज थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे या नॉलेज लेंगे। दोस्तों टू ओए स्विच के अंदर दोस्तों डबल पोल रहता है, मतलब दोस्तों तीन टर्मिनल रहता है। एक होता है दोस्तों L1, दूसरा होता है दोस्तों कॉमन पॉइंट, तीसरा होता है दोस्तों L2 पॉइंट। टू ओए स्विच के अंदर दोस्तों दो स्विच रहता है और एक दोस्तों डिवाइस रहता है, मतलब दोस्तों एक फैन भी हो सकता है, एक लाइट भी हो सकता है। ये जो टू ओए स्विच होता है दोस्तों इसका चार स्टेप रहता है। दोस्तों स्टेप वन में दोस्तों स्विच वन और स्विच टू में दोस्तों L1 और कॉमन पॉइंट जो रहता है दोस्तों कनेक्टर रहता है, और इसका जो कंडीशन रहता है ऑफ कंडीशन रहता है। स्टेप टू में दोस्तों स्विच वन में L1 और कॉमन पॉइंट जो रहता है वो कनेक्टेड रहता है, इसको दोस्तों हम लोग ऑन पोजीशन कह सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों स्टेप टू में स्विच टू में दोस्तों L2 और कॉमन पॉइंट जो रहता है वो कनेक्टेड रहता है, और इसका कंडीशन जो रहता है ऑन कंडीशन रहता है। स्टेप थ्री में दोस्तों स्विच वन में L2 और कॉमन पॉइंट जो रहता है वो कनेक्टेड रहता है, ये जो कंडीशन रहता है ऑन कंडीशन होता है। दूसरी तरफ स्टेप थ्री में स्विच टू में दोस्तों L1 और कॉमन पॉइंट जो रहता है वो कनेक्टेड रहता है, ये भी दोस्तों ऑन कंडीशन होता है। फोर्थ स्टेप में दोस्तों स्विच वन में दोस्तों L2 और कॉमन पॉइंट जो रहता है कनेक्टेड रहता है, ये जो कंडीशन होता है दोस्तों ऑफ कंडीशन होता है। दूसरी तरफ स्टेप फोर में स्विच टू में दोस्तों L2 जो होता है दोस्तों कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड रहता है, ये भी दोस्तों ऑफ कंडीशन होता है। टू वे स्विच के जरिए दोस्तों हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में रह के दोस्तों एक डिवाइस को, मतलब दोस्तों एक लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो टू वे स्विच होता है दोस्तों लाइट में भी यूज किया जाता है और दोस्तों फैन में भी यूज किया जाता है। घर में दोस्तों स्टेयर्स में, मतलब दोस्तों सीढ़ी में ज्यादा यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल एरिया में भी दोस्तों यूज किया जाता है ये टू वे स्विच।